हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए एक एप्लीकेशन लेकर दोस्तों आ चुके हैं। दोस्तों, ये आपका एप्लीकेशन बैंक खाते से संबंधित है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा बैंक खाते, बंद खाते को चालू कराने के संबंध में आवेदन। हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे कि आपका बंद हुआ खाता आप किस प्रकार से चालू कर पाएंगे, इसके चालू करने का क्या तरीका होता है, किस प्रकार से आप इसे चालू करा सकते हैं। तो पूरी जानकारी हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर, सबसे पहले आपको लिखना होता है सेवा में, फिर इसके बाद लिखना होता है आपको श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, जो भी बैंक हो, आपकी बैंक का नाम हो, यहाँ पर आपको डाल देना है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि मेरी बैंक का नाम है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर पता डालना है कि ये बैंक आपकी कहाँ पर है। तो ये बैंक मेरी है श्याम नगर कानपुर में। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर विषय डालना होता है, विषय में लिखना है आपको बंद खाते को चालू कराने के संबंध में आवेदन। फिर इसके बाद लिखना है आपको महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं रिया वर्मा आपके बैंक की खाताधारी थी, मेरा खाता नंबर इतना इतना था, किसी कारणवश मैं आपके बैंक की सदस्य नहीं रह पाई थी और अपना खाता बंद करना पड़ा था। मैं उसी खाते को पुनः चालू करना चाहती हूँ ताकि बैंक की सुविधा का लाभ ले सकूँ। इस प्रकार से ये दोस्तों आपको लिखना है। फिर इसके बाद दिया हुआ दोस्तों, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि आप हमारे खाते को पुनः चालू करवा दें, इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी, आपकी विश्वासी। नाम डालना है यहाँ पर आपको रिया वर्मा, जो भी आपका नाम हो, अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है और डेट डाल देनी है आज की आपको। इस प्रकार से दोस्तों अगर आप लिखेंगे ये निवेदन पत्र बंद खाते को चालू कराने के संबंध में, इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं, इस प्रकार से ये निबंध दोस्तों लिखा जाता है, ये एप्लीकेशन लिखा जाता है बंद खाते को चालू करने के संबंध में आवेदन। दोस्तों, इससे पिछले के वीडियो में मैंने अपने चैनल पर कुछ ऐसे के वीडियोज और कुछ एप्लीकेशन के वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो सारे वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपके जितने भी दोस्तों उन सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके कि उनको किस प्रकार से ये आवेदन पत्र लिखना, वो भी सीख जाएंगे कि किस प्रकार से ये आवेदन पत्र लिखा जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।